आप सभी के स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की दोस्तों वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें लगभग 7,000 से ज्यादा पद है दोस्तों। तो उस वैकेंसी में दोस्तों प्रवेश के पेपरों का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है, तो उन प्रवेश क्वेश्चन को हम करते हैं। जितने आज तक दिल्ली पुलिस में SSC ने जितने भी पेपर लिए, SSC ने जितने भी दिल्ली पुलिस के पेपर लिए, उन सभी पेपरों का हम सोल्यूशन सही उनका पढ़ते हैं दोस्तों। कि कैसे क्वेश्चन होते हैं, कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसा पेपर होगा, ये सारी जानकारी हम आपको देंगे दोस्तों। आज जो पेपर की बात करेंगे दोस्तों, वह 27 नवंबर 2020 का पेपर है दोस्तों, जो पहले शिफ्ट में हुआ था 9 बजे से 10:30 बजे तक जो एग्जाम थी उसमें हुआ था दोस्तों। एग्जाम टाइम था इसका 1.5 घंटे की एग्जाम हुई थी, 90 मिनट का एग्जाम होगा। इसके सिलेबस की जानकारी, इसके फिजिकल जानकारी, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा दोस्तों। मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूँ और मैं दिल्ली पुलिस का सदस्य हूँ। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके ले सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार किया जाने का वर्णन करता है? तो यह रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। कौन सा? रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करें दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग क्षेत्र से, सिविल एक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित संस्था दोस्तों, एजेंसी है, ठीक है, जो बैंकों का लेखा जोखा जानकारी रखती है दोस्तों। इसके बाद बात करें निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल तो ये कपास, कपास खरीफ की एक फसल है, ठीक है, खरीफ की फसल है कपास एक, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विघटित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो यह राइजोपस जीव ऐसा है जो निम्नलिखित में कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विघटित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो राइजोपस एक ऐसा है जीव जो दोस्तों क्या करता है, अपने जो पहले भोजन को बाहर विघटित करता है उसके बाद अवशोषित करता है, ठीक है। इसके बाद बात करें अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन में के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड घटित हुआ था? तो असहयोग जो आंदोलन चला था संयुक्त प्रांत के अंदर, कौन जो अंग्रेजों का कौन सा प्रांत था, ये संयुक्त प्रांत के अंदर क्या हुआ था, जो असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड हुआ था दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो निम्नलिखित में किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्य में केंद्रित है? तो कॉफी है, दक्षिण राज्य में ज्यादातर क्या होता है, कॉफी होती है, ठीक है। इसके बाद अगले जो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, यदि आपको इनका वर्णन चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इसका मैं वर्णन पूरा करवा दूंगा। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता? तो 129 अनुच्छेद ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय क्या होगा, कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी होगा दोस्तों। इसमें अनुच्छेद तो दोस्तों 111 है, अनुच्छेद 111 कहता है कि विधेयकों पर अनुमति देना, यानी कि संसद से संबंधित विधेयकों पर अनुमति देना। अनुच्छेद 119 है दोस्तों, वो कहता है कि संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन करना। और अनुच्छेद 135 दोस्तों उच्च न्यायालय से संबंधित है, जिसमें दोस्तों ये कहा गया जो निचला न्यायालय, जो उच्च न्यायालय है उसमें से उच्चतम न्यायालय में जाना केस, ठीक है, ये था इससे संबंधित। अब आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, फिर 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, निम्नलिखित में किस राज्य में इंद्रावती नदी पर त्रिकुट जलप्रपात बना है? तो यह है राज्य छत्तीसगढ़ राज्य, ठीक है। केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार तक एक कितने तक के 1,00,000 करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया? 2024-25 तक करेंगे 1,00,000 करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात रखा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 10 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि मेग्रस कार्लसन के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है नॉर्वे के, कि मेग्रस कार्लसन कहाँ के खिलाड़ी है, नॉर्वे के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है। निम्नलिखित में किस राज्य के राज्य में देमाबाद नामक ताम्र पाषाण काल संस्कृत स्थल है? दोस्तों ये महाराष्ट्र, दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है, एक हड़प्पा का सभ्यता का स्थल है दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करें हम निम्नलिखित में किस हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो ये किस हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं, ये साइंस से संबंधित आ गया, तो स्कोलियोडोन्स, ठीक है, स्कोलियोडोन्स में क्या पाते हैं, 2 हृदय पाए जाते हैं। लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित किस राज्य से, लोटिया गीत, तो लोटिया गीत कहाँ गाया जाता है, राजस्थान में दोस्तों, लोटिया गीत कहाँ का प्रसिद्ध है, राजस्थान का प्रसिद्ध है। इसके बाद आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की बात करें हम, तो 14 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रस्तावों के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल गिरोह यानी जीडीपी में निम्नलिखित किस समायोजित किया गया? तो ये मुद्रा स्थिति में, ठीक है, यानी कि ये मेरी इंपॉर्टेंट है, ये जो दोस्तों जो कॉमर्स से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रस्तावों के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पादन में निम्नलिखित में किस समायोजित किया गया? ये मुद्रा स्फीति में, ठीक है,
फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिसका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व थे। ठीक है, क्रिकेट खिलाड़ी थे फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व क्या थे, क्रिकेट खिलाड़ी थे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की। तो क्वेश्चन साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश रॉय जिसका मई 2020 में निधन हो गया, भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं बंगाली भाषा में। दोस्तों ये जो अभी मान लो जब इसकी एग्जाम है नवंबर दिसंबर में एग्जाम है, तो आप उस टाइम से पहले 3-4 महीने का करंट जरूर रखिए दोस्तों साथ में। इसके बाद बात करते हैं पीएम स्वनिधि नामक, यानी कह रहा है पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह में निम्नलिखित कौन सा है, तो रेडी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजना, पीएम स्वनिधि योजना किसके लिए, रेडी वालों के लिए यह योजना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंध किसके द्वारा किया जाता है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की, निम्नलिखित में किस फसल की अनुवांशिक रूप से सर्वाधिक किस्म भारत में उगाने की अनुमति है, कपास की है। ठीक है, अनुवांशिक रूप से सर्वाधिक किस्म के उगाने की भारत में अनुमति है दोस्तों। इसके बाद आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, भारत के संविधान के निम्न किस अनुच्छेद में यह लिखे हैं कि राज्य ग्राम पंचायत को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे, अनुच्छेद 40 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन आ जाता है इससे। भारत का निम्नलिखित में कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है, ठीक है, तो राधानगर बीच। ठीक है, राधानगर भारत का निम्न कौन सा समुद्र तट है, अरब सागर का नहीं है, तो राधानगर बीच अरब सागर का नहीं है दोस्तों। ठीक है, और बाकी अरब सागर के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें, ईस्ट में एवाइवी शोषण के दौरान की ईस्ट होता है, ईस्ट में एवाइवी शोषण के दौरान निम्नलिखित कौन सा उत्पन्न बनते हैं, तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसे निम्नलिखित में क्या कहा जाता है, तो रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट इसे कहा जाता है, रेपो दर इसे कहा जाता है, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, यानी कि हमारा जो केंद्रीय बैंक है वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है, उसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं रेपो दर किसे कहते हैं, रेपो दर उनको जो बड़ा बैंक होता है, जैसे मान लो रिजर्व बैंक है, यदि एसबीआई को लोन देता है, एसबीआई बैंक जो अदर छोटे बैंक को लोन देता है, उसे कहते हैं रेपो दर। ठीक है, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 24 की, तो क्वेश्चन नंबर 24 कह रहे हैं मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिकाओं निम्न में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है, तो दूरसम डेंड्राइट भी कहते हैं। ठीक है, डेंड्राइट भी कहा जाता है, द्रुमासम है दोस्तों ये जो मतलब मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिकाओं निम्न में से कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है। ठीक है, तो जो हमारे तंत्रिका तंत्र जो हमारे कुछ भी टच होता है तुरंत जो सूचना होती है, ठीक है, द्रुमासम होता है वो, जिसके द्वारा हम सूचना को इकट्ठा करते हैं, ठीक है, ड्राइट भी कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे, तो जाकिर हुसैन थे, तो भारत के द्वितीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति थे दोस्तों। ठीक, इसके बाद बात करें हम आगे अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्न में से किस देश के जलमापक कार्यालय ऑफिस द्वारा प्रदान किया जाता है, तो यूके की ऑफिस के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित में किसे यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त हुआ, तो सुमन गोस्वामी। देखो ये तो आएगा नहीं क्योंकि ये तो पुराना क्वेश्चन हो जाते हैं, दो करंट का है, करंट का नहीं क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करें दोस्तों वर्ण परिचय नाम पुस्तक निम्न किसने लिखी, तो ये लिखी ईश्वरी चंद विद्यासागर ने। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने पेरेक दौरा सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ की करने की घोषणा की है, यह पुरस्कार निम्न किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो स्वच्छता क्षेत्र में, यानी कि स्वच्छ भारत अभियान चला उसके क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 की बात करें हम, तो 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में किसे नियुक्त किया गया, तो बलदेव सिंह को नियुक्त किया गया था। प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित किस स्थान पर है, तो एलो गुफा के अंदर है। प्राचीन कालीन लॉर्ड खान नामक मंदिर, लॉर्ड खान या लॉर्ड खान भी बोलते थे, लॉर्ड खान बोला जाता है वैसे प्राचीन कालीन लॉर्ड खान या लॉर्ड खान नामक मंदिर है कहां पर, एहोल गुफा में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद बात करें हम आगे, अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है वो है भारत के निम्न में किस वायसराय द्वारा यह घोषणा की गई अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, किस घोषणा वायसराय के द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, तो लॉर्ड लिनी ठीक होते जिन्हें घोषणा की, जिनकी घोषणा क्या कहा जाता है, अगस्त प्रस्ताव भी कहा लिथगो। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय संदर्भ में बेवर दैया पोंडू शब्द निम्न किस
देखो, बेवर, दहिया और पोडू की खेती का आदिम स्वरूप है दोस्तों ये। नहीं, बेवर, दहिया और पोडू ये सभी खेती क्या है, आदिम स्वरूप है, ठीक है। तुम्हें इसके बाद तो खदे आगे 34-35 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर की बात करते हैं। ये जीके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो जेब्रा, बाकी लामा, अल्पाका और अंगोरा बकरी, ये सभी क्या होते हैं, स्तनपायी जीव है जो रेशे यानी फाइबर का एक सामान्य स्रोत है दोस्तों ये सभी, ठीक है। एक निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने का हार्मोन स्रावित करती है? तो ये पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 36 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि पावल कुट नामक जनजाति के पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित किस राज्य के हैं? तो मिजोरम। की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। द मेक स्पूत निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तर प्रदेश में। द मेक स्पूत कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में। इसके बाद हम बात करें आगे, 1983 में निम्नलिखित कौन सी दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो मदन लाल खुराना थे। कि 1993 में, जब 1993 में जब निम्नलिखित में किस में से कौन दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो मदन लाल खुराना। भारत के संविधान में निम्न किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रियों की संख्या एक सीमा निर्धारित की गई? 91वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है। 91वां संविधान संशोधन था जिसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल मंत्रियों की संख्या को निर्धारित किया गया, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें इसमें तो 40 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 21-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी? तो 10.6%। जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमान के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान गिरावट होने की संभावना 3.2%। देखो दोस्तों, ये सभी अर्थव्यवस्था संबंधित है, तो ये याद रखिए, डाटा जो आते हैं उन डाटा को जरूर याद कर लिया। 42 नंबर कह रहा, पुरुष विश्व मुक्केबाज चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित किस देश को दिया गया? ये साबिया को दिया गया, ठीक है। जनवरी 2023 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक कवि वासुदेव मोई भाषा में अपनी कृति लिखी थी, तो सिंधी भाषा में लिखी थी उन्होंने, ठीक है। लेखक संबंधी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, एक दो क्वेश्चन, दो तीन क्वेश्चन आगे इसमें। निम्नलिखित किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के लिए कांग्रेस के अलग गुट हुई गुट के फिर से एक हो गए थे? 1915 में एक हो गए थे, 1906 में अलग हुए थे और 1915 में वापस एक हो गए थे। मंडई नामक जनजातियां जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित किस राज्य में संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ में। देखो, ये जो जाति नरते इन पर्व है, इनके जो त्योहार है, दो क्वेश्चन आ चुके हैं इसके, ठीक है। जिससे बात करते हैं, ये मेसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से संबंधित है नागालैंड से। देखो, तीन क्वेश्चन आ गए, यानी कि कला संस्कृति क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, मैं कला संस्कृति पूरी का आपको करवाऊंगा दोस्तों। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था साइमन कमीशन, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, आगे बात करते हैं दोस्तों 1948 नंबर की, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित किस में से किसे रेमस मैग्नस पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ? प्रशांत भूषण को दोस्तों। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित किस टीम ने अपना दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो न्यूजीलैंड ने, ठीक है। 50 डीके का लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्न में किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा, यानी कि जो सदन सदन के सदस्य होते हैं उनका वेतन कौन करते हैं? हमारी संसद निर्धारित करती है कितना वेतन इनको दिया जाएगा। इसके बाद आगे बात करें तो अब बात करते हैं रीजनिंग की दोस्तों। रीजनिंग के इसमें जो आपके क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, वो होंगे कम से कम आपके कितने क्वेश्चन थे, 50 क्वेश्चन आपके जीके हो गए आपके। इसके बाद रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करें तो अब रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, इसके बाद मैथमेटिक्स की भी है आपके, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले 15-35 नंबर की रीजनिंग आती थी, 15 की मैथमेटिक्स। अब क्या कर दिया, 25 नंबर की रीजनिंग होगी, 10 नंबर का कंप्यूटर होगा और 15 नंबर का आपका क्या होगा, कंप्यूटर, ठीक है। अब रीजनिंग के क्वेश्चन की बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चार आकृति में से तीन में एक निम्न एक निश्चित प्रकार की समानता और एक असंगत, उस असंगत आकृति को हमें चूज करना है। तो असंगत आकृति हम चूज करें, देखो इनमें हम लाइन गिनेंगे, देखो इसमें लाइन एक दो है, बीच में एक दो है, एक दो, यानी सभी लाइन तो सभी में समान है। लेकिन अब और दूसरी बात हम करते हैं दोस्तों, तो इनमें हम बात करें, देखो ये सभी एक आकृतियां हैं अलग, ये सभी आती है त्रिभुज के अंदर, ठीक है। ये इनकी देखो सभी में, तो ये असंगत कैसे निकालेंगे, तो ये सभी आते तीनों आते त्रिभुज के अंदर, इनके एक इनका क्षेत्र वो होता निश्चित है ना, एक ये वर्ताकार आ गई, ये एक अलग चीज आ गई वर्ताकार, ठीक है। ये त्रिभुजाकार अलग हो, ये त्रिभुज इनकी ये एक कोणीय आकृति आती है, ये कोणीय आकृति नहीं है,
ये सभी कोणीय आकृति है, ये कोणीय आकृति नहीं है, ये इसमें अंतर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा होगा? तीन। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, सॉरी चार नंबर, मतलब चार नंबर ऑप्शन होगा और हमारे यहाँ कौन है? तीन नंबर। ठीक है, इसे बात करें, निम्नलिखित में वे नारे में आयत किसानों को, यानी कि जो वहां देखो ऐसे लिखना है, आयत ये किसान को हो गया, किसान। ठीक है, और नियुक्त व्रत जमींदारों को, जो व्रत है जमींदारों को, और त्रिभुज मवेशी को, त्रिभुज किसको? मवेशी पालकों को। दिए गए अक्षर उस विशिष्ट वर्ग में अलौकिक समूह को निरूपित कीजिए जिनमें कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। देखो उन किसानों को बात करनी है जिनके पास मवेशी है लेकिन उनके पास भूमि नहीं है, तो ये जमींदार है। जमींदार कौन होता है? जिनके पास भूमि होती है उनको जमींदार कहा जाता है। तो ये वर्त वाले इन सभी को काट दो, खत्म हो गया इनका। अब किसान भी होना चाहिए और मवेशी भी होनी चाहिए, तो सी बचा है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? ए ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद आगे करते हैं। जमींदार वो होता है जिसका जमीन होती है। अब इनमें देखो, इनमें हमें क्या करना है? अब इसमें ये चिन्ह रखने हैं, तो देखो इतनी चिन्ह हम रख नहीं सकते, बार बार देखना। इसमें एक देखो एक ट्रिक क्या है इसमें, आप इनमें सभी में देखो कि सबसे ज्यादा पहले ऑप्शन क्या आ रहा है, तो भाग देखो। ठीक है, भाग सबसे ज्यादा ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो पहले ऑप्शन भाग आ रहा है और लास्ट में सभी बराबर आएगा, तो पहले भाग वाले एक भाग वाला कोई सा भी रखे देख लो। तो देखो इसमें डायरेक्ट 6 6 24 आप देखो कि हमें 28 बराबर में, यहाँ बराबर होगा 28 लाइन है, तो 6 6 24 हो गए, 4 आ गए प्लस, इसके माने फिर क्या रहा है? प्लस प्लस कर दिए, इसके माने 32। ठीक है, प्लस 32 किया फिर आ रहा माइनस, माइनस 4 कर दिए तो 32 32 बच गए, फिर माइनस 2 कर दिए तो कितना आ गया? सॉरी गुणा है, देखो यहाँ ये वाला ऑप्शन हमें रखेंगे ये वाला। ठीक है, तो देखो 24 भाग 6। ठीक है, तो 24 में जो भाग 6 का देंगे हम, तो इसके हिसाब से करते हैं, भाग 6 का दिया तो कितना आ गए? 4 आ गए। ठीक है, फिर प्लस का आ गया 32। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह यहां रखेंगे, देखो तीन नंबर पे जब माइनस का चिन्ह रखा हमने, तो तीन नंबर 4, इसमें 4 माइनस गए तो ये 4 से 4 कट गए, कितने बच गए? 32। अब 32 ये कह रहा आगे कि इस 32 में फिर देखो 32 रह रहा है, इसमें देखो दोस्तों एक फंडे में हमने गलती ये कर दी, इसमें कहा बाएं से दाएं रखना में। ठीक है, तो बाएं से दाएं जब रखना में, तो बाएं से दाएं रखेंगे इसमें, देखो ये इनका बाएं से दाएं, देखो ये गलती हुई थी इसमें, बाएं से दाएं रखना है, तो देखो 24 हो गए। ठीक है, अब 24 में हम रखेंगे बाएं से दाएं, तो बराबर 6 हो गया। अब ये इंटू हो गया, इंटू के बाद आ गया यहां से 6 के बाद आ गया 32। ठीक है, 32 फिर आ गया माइनस, सॉरी दोस्तों ये क्वेश्चन मेरे समझ में थोड़ी दिक्कत होगी, दोबारा हल करवाता हूँ। 24 देखो हम इसमें रखते हैं भाग 6 प्लस, मैंने बोर्ड मास में थोड़ी गलती करी, बोर्ड मास में रखने के अंदर थोड़ी मैंने गलती की, 32 माइनस 4 इंटू 2 बराबर 28 हो गए। ठीक है, तो देखो यहाँ देखो 24 भाग दे 4 आ गए, 32 आ गए माइनस, देखो अब इनको गुणा करो 8 आ गए माइनस के 8 बराबर 28। ठीक है, तो देखो यहाँ 4 गए, 4 और 32 में 4 काट दूं कितने का? 28, 28 बराबर 28, तो ऑप्शन कौन सा हमारा? 3 दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आगे बात करें, किसी को तो समझ में दिक्कत होगी। इसके बाद देखो उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूर्ण करेगी, तो वो आकृति कौन से पैटर्न को पूर्ण करेगी? देखो यहाँ आनी चाहिए आकृति, तो एक तो ऐसे गोल होना चाहिए। ठीक है, फिर एक गोल के साथ साथ दोस्तों एक ये वाली कंडीशन बननी चाहिए, और फिर उसके बाद दो कंडीशन बनेगी, देखो ये वाली और यहाँ एक चौकोर बनेगा। ठीक है, यहाँ चौकोर बनेगा और इसके बाद एक ये लाइन जाएगी, ये वाली लाइन होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला कौन सा पट रहा है? ये हमारा ये ऑप्शन 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आकृति वाला आप सब कर लोगे। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं, निविसार ने रवि की अक्ष धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली, ये उधार की धनराशि वार्षिक रूप से 2240 का ब्याज भुगतान करता है, यानी कि इसमें हमें साधारण ब्याज मानना है। ठीक है, तो देखो एक्स इंटू 8 ब्याज हो गया इंटू 1 वर्ष के लिए बटे 100, कितने ब्याज मिला? 2240। ठीक है, अब उल्टा कर दो इसको, तो 2240 इंटू 100 बटे 8। ठीक है, अब देखो अब इसमें करो हल, तो देखो इसमें कैसे हल होगा, आप इसमें भाग देख के पहले कर सकते हो, तो देखो डायरेक्ट भाग दो, 8 2 16 हो गए, इसके बाद हम बात करें 8 2 16
8 दिन 16 हो गए, इसके बाद यहाँ बच गए हमारे पास 8 84 हो गए, ठीक है। तो 8 84 होगी, तो 8 जब 8 84 ये देखो सॉरी 8 10 64 हो गए, सॉरी 8 9 16 और 6 64 बच गया, 8 10 64 0 यानी कि 2800 हो गए, ठीक है। 28 28 हजार हो गए, 28 हजार रुपये राशि तो कौन सी 28 की, साधारण ब्याज का सूत्र लगेंगे समुद्र बटे 100 लगेगा, ठीक है, समुद्र बटे 100 साधारण ब्याज का सूत्र होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति घुमाने पर अनुमति नहीं है, आकृति नहीं है तो घुमाने की अनुमति नहीं है, यानी कि ये आकृति होनी चाहिए उसमें, ऐसे की फिट होनी चाहिए, घुमावा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे आकृति को इसमें फिट है, ये रही देखो आप देख सकते हो, इसमें आसान से वो आकृति देखो ये रही, यहाँ पे देखो ये देखो यहाँ है, ठीक है, यहाँ पे स्थित आकृति, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे, ऐसे क्वेश्चन आपको गौर करके देखने पड़ेंगे दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न उस विकल्प को आकृति का चयन कीजिए जो निम्न पर्यटन को पूरा करेगी, तो देखो इसमें जो पर्यटन को पूरा करेगी वो आकृति कौन सी है, तो देखो इसमें आप देख सकते हो कि कैसे कैसे घूम रहा पर्यटन, ठीक है। तो देखो जहां देखो इसके देखो आप देख सकते हो कि कैसे कैसे आकृति आ रही है, यानी कि ये आकृति आप देख, त्रिभुज यहाँ, यहाँ भी त्रिभुज है, यहाँ त्रिभुज, तो इसका मतलब यहाँ त्रिभुज आएगा, तो ये ऊपर वाली आकृति को इसमें त्रिभुज है इसमें, फिर इसके बाद ये देखो यहाँ एक गोला, यहाँ एक गोला, यहाँ एक, यहाँ एक गोला, तो मतलब इसमें नहीं आएगा, ये चौकोर, ये चौकोर, ये चौकोर, यहाँ एक चौकोर आना चाहिए, तो ये चौकोर इसमें, तो आकृति कौन सी, एक नंबर आकृति, ठीक है, कौन सी हमारी एक नंबर। इसके बाद आगे बात करें, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित आकृति, निम्नलिखित में 4 आकृति में 3 में एक निश्चित प्रकार की समानता, एक असंगत, उस असंगत आकृति को हमें चुनना है दोस्तों, ठीक है। तो वो असंगत आकृति कौन सी है, देखो असंगत आकृति आपको देखने को, असंगत आकृति कौन सी है, तो इसमें आप देख सकते हो असंगत कैसे होगी, वो सारी जानकारी हम आपको देते हूँ, बताओ आप बताओ इसमें असंगत आकृति कैसे होगी, मतलब 3 नंबर आकृति ये कह रहा है कि 3 नंबर आकृति असंगत है, लेकिन असंगत आकृति है तो कैसे है इसके बारे में आप बताओ कि कैसे होगी, कोई तो कारण होगा आप बताओ। देखो ये जो मतलब कैसे आकृति है, आपको ये पता चला कि कैसे है बिना आकृति, तो बताओ देखो असंगत कैसे है, इसका मुंह देखो, इसका ये इससे कनेक्ट होकर ऐसे जा रहा है, यहां से देखो इसमें भी कनेक्ट हो गया, इससे दूर जा रहा है, यहाँ इससे दूर, यहाँ देखो यहाँ कनेक्ट हो गया, इससे में इसकी तरफ आ रहा है दोस्तों, यानी कि ये यहाँ होना चाहिए था, इसकी तरफ आ रहा है, तो ये हो गया असंगत आकृति, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन हो गया, अब 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो नंबर क्वेश्चन आ गया, देखो निम्न 4 अक्षर में समूह 3 समूह मध्य एक समानता और चौथा एक असमान हो, तो उसके बताओ, तो इनके बारे में आप डिटेल कैसे करोगे, देखो इनके डिटेल निकालोगे आप कैसे, 3 समान है और निश्चित प्रकार समानता है, देखो P16 होता है, 20 ठीक है, 24 2 और 6 यानी कि इनके नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये देखो इन दोनों में अंतर कितने का है, 4 का, इनमें 4 का और इनके बाद भी 4 का आएगा और इनमें भी 4 का अंतर है, सभी 4 का अंतर है। इसके बाद हम बात करें K11 2 नंबर की, 15 18 22 और 1 ठीक है। तो देखो इनमें अंतर देखो 3 सॉरी 4 का आ गया, यहाँ 3 का आ गया, यहाँ 4 का आ गया और यहाँ भी 4 का आ गया, फिर यहाँ 4 का शायद 22 के बाद 23 24 25 26 27 या बीच में 5 का अंतर आ गया, ठीक है। और इसके बाद 3 नंबर की बात करें तो 14 14 18 22 26 और 4 इनमें सभी में 4 4 का अंतर है, यानी कि इसमें भी 4 का, इसमें 4 का, तो ये बचा जिसमें जिसमें असमानता है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें हम क्वेश्चन की 10 नंबर की, तो 10 नंबर की आकृति है, निम्नलिखित में जी आकृति के मध्य वही संबंध जो निम्न गए प्रश्न आकृति के समूह में से है, ठीक है, यानी कि ये देखो संबंध इनमें कि ये था, यानी कि ये जो क्या संबंध है कि ये जो त्रिभुज है ये सभी वर्त है, ठीक है, और वर्त में से कुछ त्रिभुज है, तो हमें ये यहाँ यही संबंध दर्शाना है, यानी कि ये वाली आकृति इसके अंदर देनी है, ठीक है। तो ये आकृति इसके अंदर कहाँ आ रही है, ये वो संबंध बताना, ठीक है। तो देखो यहाँ ये संबंध स्थापित है कि ये वाली आकृति इसके अंदर है, ये इसके अंदर आनी चाहिए थी, ये इसके अंदर आनी चाहिए या ये इसके अंदर आनी चाहिए थी, लेकिन इसमें अंदर आई नहीं, तो कौन सी आकृति, ये वाली इसके अंदर है, सॉरी ये वाला, सॉरी ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद बात करें आगे क्वेश्चन की, हम 11 नंबर की बात करें रीजनिंग में, तो 11 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि
उस वीकली को आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति है वही संबंध है, दूसरी आकृति का पहला आकृति है, यानी कि इसका जो संबंध इससे है उसका संबंध उससे होना चाहिए, ठीक है। तो क्या क्या संबंध वो देखो, देखो देखो कुछ नहीं हुआ इसमें, ये जो नीचे थे ये ऊपर चले गए, एक नीचे आ गए इसका कोना, और ये था इसको ऊपर चला गया, ठीक है। तो हमें भी ये करना है, क्या करना है कि इसको तो ऊपर भेजना है, इसको तो ऊपर भेजना है, ठीक है, और इसकी तरफ भी इसको ले जाना और ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो उल्टा मतलब उल्टी करनी आकृति को, ठीक है, कुल मिला के बात हमें तो उल्टी करनी आकृति। तो देखो ये हो रही उल्टी पहली आकृति, ठीक है। इसके बाद आकृति को आगे आगे बात करें हम, 12 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 12 नंबर देखो, दिए गए पर्यटन का ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, संख्या चयन करें जो उसमें प्रश्न चिन्ह पर आया, यहाँ कौन सी संख्या आएगी उसे हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो बताओ यहाँ कौन सी संख्या आएगी, इसमें देखो कुछ भी नहीं कर रखा इसने, इसने क्या करा कि देखो 5 × 12 कितने हो गए 60 प्लस ये 5 जोड़ दिए कितने हो गए 65। इसके बाद क्या करा 7 × 14 कितने होते 14 × 98 होते ना, ठीक है। तो 98 हो गए, 98 प्लस इसने क्या कर दिया 7 जोड़ दिए 105 हो गए। इसमें का 9 × 13 117 प्लस 9 जोड़ दिए इसमें तो कितने हो गए 126। तो ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे इसमें, तो हम बात करें 13 नंबर, ये आ गया तो आपका दर्पण इस संबंधी क्वेश्चन आ गए थे मिरर वाले। तो देखो इसमें उल्टा है तो एच तो आपका ऐसे कैसे रहेगा, ये एक है एक वापस कैसे हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें ये वाला ऑप्शन हो गया, ठीक है। इसमें आगे बात करें 14 नंबर क्वेश्चन की, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं निम्न श्रेणी क्रम है, इसमें श्रेणी बताया कि आगे क्या आएगा दोस्तों, ठीक है। तो आगे वही बात है कि इसमें आपके आपका अंतर अंतर करके देख लो, अंतर होता ठीक है नहीं होता तो आप दूसरा ऑप्शन चुन सकते हो दोस्तों। और देखो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करेंगे, 45, 72, 101, 133 और 169। देखो कैसे करेंगे, इन दोनों का अंतर हमने किया तो इन दोनों का जब अंतर हम करते हैं कितना आएगा, देखो इनका दोनों का अंतर आएगा 27, ठीक है, क्योंकि 12 में से 5 के 7 है और 6 में से 4 के 2। इसके बाद इनका अंतर हम करते हैं, इन दोनों को जब हमने अंतर किया तो आगे 29। अब इन दोनों का हम जब अंतर किया, देखो इन दोनों का अंतर जब हम करते हैं तो देखो 2, 32। इसके बाद इनका हम अंतर करते हैं 36 आगे। अब देखो इनमें अंतर करो, 2 का अंतर 4, 3 का अंतर सॉरी और 4 का अंतर। अब इनमें 5 का अंतर करते हैं, 36 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितने आगे, 36 में 5 जोड़ेंगे कितने आगे 41 हो गए। तो 169 में हम 41 जोड़ेंगे तो कितने आगे 210। तो ऑप्शन हमारा 4 नंबर हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करें आगे 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, उस पर क्लिक आकृति का चयन कीजिए, निम्नलिखित आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, तो उस आकृति का चयन करना है, इनकी आकृति में आगे भगाना है और देख करना, आप सब जानते हो देखो यहाँ से उल्टा उल्टा होती रहती है, ठीक है। अब इस तरफ यहाँ जब इधर आ गए तो यहाँ इधर आएगी, इनकी आकृति ये इधर वाली लेनी है। तो देखो ये वाले तो 3 नंबर तो बिल्कुल कैंसिल हो गए, कैसे इनका सोल्यूशन करने का तरीका क्या होता है, 3 नंबर तो बिल्कुल कैंसिल कर दो, ठीक है। अब देखो हमें 3 नंबर बिल्कुल कैंसिल हो गया, अब ये यहाँ कोने में पहले कहाँ, देखो यहाँ कोने में था, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ, तो ये वापिस कहाँ आएगा, यह कोने में आएगा, ठीक है। इस कोने में आएगा त्रिभुज वाला चिन्ह, तो त्रिभुज देखो इस कोने में कहाँ है, तो इससे क्या होता है कि ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये भी कैंसिल हो गया, बचा कौन सा ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो 16 नंबर वही श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आ गया, तो इसे भी हल करते हैं। इस क्वेश्चन की देखते हैं इसमें क्या क्या, 19, 43, 90, 183 और 368। देखो इसमें क्या क्या है, इसमें दोनों में जब अंतर किया तो इसका आया 24 अंतर, जब इन दोनों में अंतर किया 47 अंतर, इन दोनों में जब मैंने अंतर किया 93 अंतर और इन दोनों में मैंने किया 185 अंतर। देखो क्या क्या इसने, 24 का दोगुना क्या होता है 48, एक घंटा दे 47, इसका दोगुना कितना होता है देखो 94 और इसकी एक घंटा दिया 93 आगे, इसका दोगुना होता है 186, आधा के सॉरी एक घटा दे 195। अब हमें इसका दुगुना करना है, यानी कि 185 का दुगुना जब हम किया और एक घटाना है तो 0, 16, 17 और 2 और 1 3 370 होते हैं, 370 में से हमें एक घटाना है 329 में जोड़ने हैं, ठीक है, 329 में जोड़ने हैं और आप इसके आंसर आ जाएंगे। देखो 8, 16, 17 हो गए, ठीक है, और 6, 12, 13 हो गए और 6, 7 हो गए 737। तो ऑप्शन कौन सा है 3 नंबर, ठीक है, इसका सोल्यूशन होगा। ये तो रीजनिंग है 16 नंबर 16 क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, ये कूटवास से जाकर कायर का बहादुर होता है पारंपरिक, जो पारंपरिक क्या होता है आधुनिक, यानी कायर होता है बहादुर, ये विलोम शब्द है। इसके बाद बात करें पासे वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पासे एक पास की 3 विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, जिसे 6 फलकों में से एक
एक से चार तक की संख्याओं में से कोई संख्या एक अंक है, दो दर्शन वाले फलक के विपरीत फलक कौन सी संख्या है, दो को दर्शन वाला फलक चाहिए। तो देखो हमें दो से दर्शन वाले फलक चाहिए, तो इसमें देखो इसमें सीधा सीधा इसका आंसर है कि इसमें दो आ रहा है, ठीक है, तो दो के साथ में चार और पांच है, यानी कि चार और पांच तो नहीं आएगा। दूसरी बात, इन दोनों फलक में सबसे ज्यादा क्या दिखाई दे रहा है, तो इनमें सबसे ज्यादा तीन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन कौन जाएगा, तीन, ठीक है। 19 नंबर की बात करें, ये कह रहा है 12 से 149 होते हैं, तो किससे कितने होंगे कि 12 से 149 कैसे आए, तो देखो 12 का स्क्वायर हम करेंगे कितना, 144 और 144 कितने जोड़ दिए, सिर्फ पांच जोड़ते 149 आ गए। अब 21 का जब हम स्क्वायर करते हैं, 21 का स्क्वायर कितना होता है, 441 होता है, प्लस पांच जोड़ दिए इसमें, तो कितना आ गया, 446। इसके बाद आगे बात करें 20 नंबर की, तो 20 नंबर दोस्तों इसमें है कि दिए गए मोड़ कर एक घन घन बनाया जाता है, इस तरह के घन में विकर्ण में से कौन सा अक्षर युग्म विपरीत फलक का उभर होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा, देखो एक छोड़ के एक होगा, वाई का होगा एम, वाई का होगा एम, और देखो एक का होगा के और यू का होगा एस, तो देखो के ए, यानी के ए विपरीत फलक, ठीक है, एक छोड़ के एक होते इसमें, ठीक है। 21 नंबर की बात करें, तो 21 नंबर उस फल विकल्प आकृति ध्यान कीजिए, नीचे दिखे आकृति में अंतर्निहित है दोस्तों, ठीक है, अंतर्निहित देखो चार नंबर आकृति है जिसमें अंदर है दोस्तों, ठीक है, ये रही देखो यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ से ये वाला जो आकृति नहीं, यहाँ देखो ये जो ये स्पोर्ट से बन रखा है, ये दो लाइन वाली, और इसके बाद दोस्तों ये खड़ी लाइन है और ये बड़ी, देखो ये रही, अब क्या कर दी, यहाँ है सारी आकृति ये, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आगे 22 नंबर की बात करें, तो कह रहे एक कोड पास है पी आर ओ वी एन को पी एस क्यू ओ एफ डब्ल्यू लिखा जाता है, तो इसी प्रकार इसको क्या लिखा जाएगा, हम देखो तो पी का होता है 16 18 15 22 5 और 14, इसके नंबर याद कर लेना, तो देखो 16 19 17 15 6 और 23, ठीक है। अब आप देख सकते हो इसका कैसे इसने बनाया, या फिर आप डायरेक्ट इस पे कर सकते हो कि इसमें कैसे कैसे कर रखा, ठीक है। देखो इसको यहाँ रख दिया, इसमें एक जोड़ दिया, इसमें दो जोड़ दिए, इसमें तीन जोड़ दिए, इसमें चार, तो यहाँ कितना आ गया, छः, पंद्रह और यहाँ आएंगे 16, ठीक है, यहाँ कितने हैं, पांच, दोबारा लिखता हूँ मैं, देखो इसने क्या कर रखा है दोस्तों, इसने कर रखा, देखो कैसे कैसे इसने सॉल्यूशन कर रखा है, देखो 16 और 1 17, 15 और 1 16 और 1 जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया, इसको इसमें और इसमें एक, इसमें एक एक जोड़ दिया, सब में एक जोड़ गया, तो हम भी ये करेंगे, इसका जो एम एन ओ इसको यहाँ लिखते हैं कि एम 13 और 15 14 7 और 5 और 18, तो इसको तो यहाँ लिखेंगे कि एक जोड़ के, तो 14 में क्या आता है, 14 में क्या आता है एन, ठीक है, इसमें एक जोड़ेंगे 14 में एक जोड़ेंगे, 15 में क्या आता है ओ, इस ओ इसको एक जोड़े तो पी, ठीक है। इसके साथ ही इसमें बात करें 18 में 19 पे ऐसा आता है, 7 जी जी एक 8 होता है, 8 एच पे आता है, ठीक है, लास्ट में ऐसा आएगा एफ आ गया, तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद आगे बात करें आगे वाले क्वेश्चन की, तो आगे वाला क्वेश्चन है उस वे नागरिक का चयन कीजिए जो निम्नलिखित को दर्शाता है, ठीक है, क्या सर्जन डॉक्टर प्लम्बर है, तो प्लम्बर तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है, सर्जन है वो डॉक्टर, जो सर्जन करेगा डॉक्टर ही होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, 24 नंबर कह रहा है एक कागज में निम्न आकृति कागज को मोड़ कर मोड़ आया, तो उसको खोलने के बाद कैसे आकृति बनेगी वो हमें दिखाना है, तो हमें जो आकृति दिखाई देंगी वो ये आप इसको प्रैक्टिस करोगे आपका आसानी से आ जाएगा। देखो ये आकृति मोड़ने के बाद थी, तो ये आकृति जब कागज हम खोलेंगे दोस्तों यहाँ से पहले यहाँ लाएंगे, ठीक है, तो ये आकृति यहाँ भी छपेगी, इसके बाद जैसे उल्टा कागज यहाँ से यहाँ करेंगे तो यहाँ छप जाएगी, फिर इसके यहाँ चार और छपेगी, ठीक है, तो ये ऑप्शन कौन सा होगा, तीन नंबर आपका, ठीक है। इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की बात करें हम 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते, तो 25 नंबर कह रहे हैं कि उस अविकल्प आकृति का चयन कीजिए निम्नलिखित आकृति श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आप देख सकते हो, देखो इसमें ये दो देखो यहाँ आनी चाहिए, ठीक है, देखो यहाँ आया दो आए फिर ये गाय फिर आया फिर ये तो ये वाला वापिस आएगा, तो ये वाला किसमें, इसमें, ठीक है। अब इसके बाद मैथमेटिक्स की क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैथमेटिक्स इसमें क्वेश्चन आते हैं 15, तो उन क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, ये कह रहा है कि एक व्यक्ति एक काम को एक 40 दिन में करता है, देखो बी करता है उस काम को 50 दिन में, ठीक है, अब 40 और 50 पहले इनका हम दोनों का एलसीएम लेते हैं, तो कितने भाग जाएगा दोनों का, तो दोनों का भाग जो जाएगा दोस्तों वो देखो कौन सी संख्या में दोनों का भाग चला जाएगा वो बताओ मुझे,
यानी 200 में चला जाएगा, इसका 200 में भाग देता हूँ 5 बार, इसका देता हूँ 4 बार, यानी कि ये एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, एक दिन में 4 यूनिट काम होता है, दोनों मिलकर 5 दिन काम किया तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना 9 यूनिट, तो 5 दिन तक करते हैं कितना हो गया 5 को 45, यानी कि 200 यूनिट काम करना है, एक दिन में 45 यूनिट काम कर चुके, एक दिन 45 यूनिट काम कर चुके। अब काम कितना बाकी हो रहेगा, 200 माइनस 45 कितना बच गया, देखो 5 बच गया, और यहाँ 19 में 4 हम 4 निकालेंगे, कितना आते 19 में 4 निकले 15, यानी कि 155 यूनिट काम बच गया। इसको कौन करेगा, बी ए, ए, ए बी छोड़े चला गया, ए करेगा, ए के दिन में कितना आता है 5 यूनिट, तो 5 को भाग दो 3 और 1 31, यानी 31 दिन में क्या क्या कर देगा, पूरे काम को कम्प्लीट कर देगा। ठीक, अब इसका दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तो दो नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं साधारण ब्याज क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन कहते हैं ब्याज से क्वेश्चन संबंधित है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं यदि साधारण ब्याज, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 9 से बढ़कर 13.13 से 1.2 हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज 3690 बढ़ जाता है, तो मूल धनराशि कितनी होगी। तो देखो पहले था 9%, अब 13, अब हो गया 13 से 1.2, पहले था 9%, ये घटा दो तो कितना हो गया 26 27 बटे 9 हो गए, फिर 2 हो गए माइनस 9 करने इसमें से, तो 18 कैसे करोगे, 27 माइनस 18 बटे 2, तो 27 में जब 18 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 9, तो 9/2 हो गया, लेकिन 9/2 हो गया, 9/2 बराबर कितना हो गया, ये ब्याज जो ब्याज दे रखा ना इस ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो 9/2 बराबर हो गया। अब क्या करोगे, 9/2 बराबर आप मानो किसी को 3690 रुपए हो, ठीक है, ये परसेंटेज में, तो 1% बराबर कितना मानोगे, 36% बराबर 3690 बटे, इनको ये नीचे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करो 100% बराबर ना बनाओगे आप, तो 100% बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 100% बनाने के लिए 3690 × 2/100 × 100/9, ठीक है, 9 का भाग दिया 9 9 4 36, 9 1 9, ठीक है, तो ये 41 हो गए, 410 × 2/100, ठीक है, तो ये 0 2 8 और 2 0, ये यानी कि कितने हो गए, बताओ कितने हो गए, 82,000 हो गए टोटल, ठीक है, तो 82,000 टोटल धनराशि कितनी होगी, 82,000, तो ऑप्शन नंबर कौन सा रहा हमारा इसमें, 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला को मंदिर तक जाने, एक महिला उसको मंदिर तक जाने और वापिस आने में, मंदिर जा वाप, देखो मंदिर तक पैदल जाने और वहां से सवारी गाड़ी वापिस आती है, ठीक है, तो उसे 3 घंटे 20 मिनट लगती है, और यदि दोनों और ही सवारी गाड़ी का प्रयोग करें, दोनों किसका प्रयोग है, सवारी गाड़ी का प्रयोग करें, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, तो बताओ उसके द्वारा मतलब उस, तो भाई दोनों और पैदल चले तो उसके द्वारा कितना समय ले जाएगा, तो ये बात हमें ज्ञात करनी है, ठीक है, तो इसे ज्ञात कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, तो इसमें हम मानेंगे कि जो महिला है यानी कि ए से बी तक जा रही है, ठीक है, और वापिस है, तो जब जाते हैं तो पैदल जाते हैं, वहां से सवारी वापस आती है, सवारी गाड़ी में आती है, तो हम दोनों की चाल मानेंगे कि उसकी पैदल चाल, देखो बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, पैदल चाल और प्लस इसकी मैं सॉल्यूशन आपको करवा देता हूँ, चलो देखो, अब ये दोनों की अलग अलग चाल मानेंगे, एक की मानेंगे हम अक्ष चाल, जो पैदल चलती है वो पैदल चलती है अक्ष, अक्ष किलोमीटर मीटर कैसे मान लो, ठीक है, अक्ष किलोमीटर पर आवर कैसे मान लो, और जो सवारी की है, सवारी मारेगी तो उसकी जो चाल हो जाएगी सवारी की वो वायु हो जाएगी, ठीक है, होगी। अब दूरी दोनों में समान है, ठीक है, तो जो शुरू में जब गई वो, तो जब पहली बार जाती है दूरी बराबर एक्स इसी चाल से गई, जो समय लगे समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे चाल, ये पहला समय, प्लस वापिस आई तो दूरी वही दूरी है बटे वाई, तो कितना समय लगा, 3 घंटे हो, कितना समय लग रहा है इसमें, 3 घंटे 20 मिनट, ठीक है, तो 3 घंटे 20 मिनट लगे उसे, तो 3 घंटे 20 मिनट जब टाइम लगा, 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट वो सही कर लेता हूँ, 3 घंटे 20 मिनट, इसमें 60 का भाग दिया मैंने 0 0, जब ये हो गया 3 6 9 10/3 घंटे हो गए, तो 10/3 घंटे लग गए इसको, ये तो समीकरण एक हो गया। अब दूसरी बात देखो, अब वो क्या कर रही है, जब दोबारा क्या कर रही है, देखो दोबारा उसकी बात हम सुनते हैं, क्वेश्चन का आगे सॉल्यूशन देखते हैं, वो कह रहा है कि जब वह दोनों ओर सवारी का प्रयोग करती है तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, ठीक है, तो देखो दूरी तो दूरी 2 गुना होगी, जाना आना और चाल इसकी वाई होगी, क्योंकि सवारी की चाल वाई है, तो उसे 2 घंटे कम लगते हैं, यानी वह 3 घंटे 20 मिनट लगती थी
अब उसे कितना लगे, 2 घंटे कम, तो 1 घंटे 20 मिनट होगी, तो 1 घंटा 20 मिनट को बना दो 60, 3 तो 3 6 3 और 1 4 4 बटे 3 घंटे, ठीक है, ये हो गया टाइम। अब तो देखो, अब इसमें हम निकालेंगे आगे, इस समीकरण से निकालते हैं, तो देखो तो इसमें दूरी दूरी हमें जो दूरी निकालेंगे, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी हमें वाई का मान निकालना है, तो वाई का मान इधर चले जाएंगे वाई, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, देखो वाई को इधर ले गया हमें, तो 2 दूरी इंटू ये उल्टा हो जाएगा 3/4, इसमें भाग दिया हमें 2 हो गया, तो वाई बराबर क्या हो गया, चाल क्या होगी, 3 दूरी बटे 2, 3 दूरी बटे 2 होगी, ठीक है। अब बात करते हैं वाई का मान हम रखेंगे किस समीकरण पहले में, तो पहला जो समीकरण था वो क्या था, कि पहला समीकरण क्या है, दूरी बटे एक्स प्लस दूरी बटे, अब वाई था तो वाई किसके लिए रखेंगे, क्या 3 दूरी बटे 2 बराबर हो गया कितने घंटे, 10/3, ठीक है, तो दूरी से दूरी कट जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, तो देखो बात करते हैं, तो दूरी तो वही होगी दूरी बटे एक्स, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, तो 10/3 ये हो जाएगा 2/3, ठीक है, उल्टा हो जाएगा, ये वाली संख्या ऊपर चली जाएगी, ठीक है, तो देखो 3 LCM आ गया, कितना गया 8, यानी कि कितना कितना हो गया, तो दूरी बटे एक्स क्या होता है, दूरी बटे चाल बराबर क्या होता है, समय, तो कितना समय लग रहा है जब दूरी वो, अब देखो कितना समय लगा उसको, देखो दो, अब एक बात और सुनो, वो जब दोनों सुख वो क्या है कि दोनों पैदल चले तो टोटल कितना समय लगेगा, ठीक है, तो ये देखो इसमें करते हैं भाग देंगे इसमें, सॉरी तो इसमें करो 2 घंटे हो गए, 1 हो गया और 2/30 हो गया, इसको 2 का भाग 60 से इंटू कराऊंगा ये होगा 20, तो 2 घंटे और 40 सेकंड, ठीक है, आगे समझो, इसके बाद हम बात नहीं समझ में, तो आप मैसेज कर देना, मैं दोबारा दूसरे जानवर देखो, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की बात करें, तो अगला क्वेश्चन इसमें देख सकते हो आप, ये कह रहा है x प्लस वाई माइनस जेड, और वाई माइनस ये है, तो इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे वो जानकारी मैं आपको देता हूँ, देखो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इला गिला है, ये हार्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि जो एक जो इसके x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 1 2 है, और इनके वाई माइनस 2 प्लस 2 W बराबर है 3, और 2x प्लस जेड माइनस W अनुपात का मतलब ये होता है कि इनकी बराबरी ये चीजें हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, वो चीज हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है, ठीक है, तो हमें करना क्या है, देखो अब हमें करना क्या है दोस्तों, हमें जो ये समीकरण है 1 और 2 इनको बैठाना है, तो y माइनस जेड प्लस 2W इसमें से हमें घटाना है, बराबर इसमें 3 है, बराबर क्या हो गया 3 हो गया, इसमें से ये घटाना है, दो नंबर समीकरण क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, ये घटाना है इसमें, ठीक है, ये घटेंगे बिल्कुल माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बढ़ जाएगा 2W माइनस x, ठीक है, कि माइनस ये इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक है, और इधर क्या बच जाएगा 1, अब 1 बच गया, अब जो ये मान है दोस्तों, ये मान हम रखेंगे समीकरण इस वाले में, इस वाले लास्ट समीकरण 3 नंबर, इसमें ये मान रखेंगे 1 बराबर, तो हमने 1 बराबर इसमें जो मान रखा है इसकी, इसमें देखो 2x प्लस 2 माइनस जेड है ये, ठीक है, W बराबर 1 है, अब 1 की जगह में ये रखना है 2W माइनस x, अब देखो इसको इधर ले आया मैं x को, और इस W को इधर ले गया, तो ये हो गया 3x प्लस z बराबर 3W, ठीक है, ये हो गया, अब ये मान हमें रखना है कहां पर, ये मान हमें रखना है यहां इस समीकरण, देखो ये जो समीकरण दे रखा है ने, इनके द्वारा समीकरण दिया गया ये वाला, ठीक है, इस समीकरण में ये मान रखना है, देखो ये समीकरण कैसे रखेंगे, देखो ये जो समीकरण में दिया गया है कि समीकरण में यहां रख देता हूं, उन्होंने लिखा कि 5W माइनस
3x माइनस जेड बराबर है 3w, ठीक है। तो इसके बराबर हमें ये अनुपात है, सॉरी अनुपात है 3w है, तो हमें इनकी जगह देखो इनक में माइनस कॉमन लेते हो, ये क्या बन गया 3x प्लस 2 सॉरी जेड बन गया। तो देखो इस ये वाला मान इसलिए क्या रखूंगा 3w रखूंगा, तो देखो तो ये इसकी जगह 3w जो मैंने रखा तो 5w माइनस 3w बराबर अनुपात 3w, ठीक है। तो देखो ये गया 2w हो गया अनुपात 3w, तो अनुपात क्या गया 2:3, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर हमारा गया 3 नंबर, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें 6 नंबर जो क्वेश्चन है उसकी हम बात करें, तो 6 नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो इस क्वेश्चन का हल करते हैं, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि ये था क्वेश्चन नंबर 6 कि एक धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर दी जाए, 10% वार्षिक ब्याज दर यानी कि अर्धवार्षिक होगी, तो ब्याज दर तो अर्धवार्षिक में क्या होता है ब्याज दर तो आधी हो जाती है, 10% है ये तो 5% हो जाएगी, क्योंकि जो समय एक वर्ष देगा ये समय दुगना हो जाता है, 2 वर्ष हो जाता है, ठीक है। तो इसे कैसे करोगे, इसको हल कैसे करने का तरीका ये कि 20,947.50 रुपये हो जाती है, तो आप क्या करोगे 20,947.50 हो जाती है, इसको उल्टा लिखो। उल्टा कैसे देखो, उल्टा करना है तरीका सोल्यूशन करने का, ये यदि फास्ट करना तो परसेंटेज का 100 ऊपर, ठीक है, और 5% हो जाती है 105, 2 वर्ष है 100 ऊपर 105, ठीक है। अब हम इनको काटेंगे तो काटने के बाद कितने बनते, देखो ये 25 का 100 सॉरी 5 का भाग दिया 20 पे, इसमें 5 का भाग जो मैं देता हूँ तो ये आगा 21 पे, 5 का भाग मैंने दिया था 20, 5 का भाग दिया था 21 से काट लिया। अब जब मैं इनको काटूंगा तो ये आएंगे टोटल 19,000, ठीक है, 19,000 रुपये बनते हैं, ठीक है। अब 19,000 टोटल आ गए, अब 19,000 आ गए, अब इन 19,000 का कितना करना है तिगुने ब्याज दर। देखो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इसमें इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब क्वेश्चन कह रहा है कि तिगुना ब्याज दर, तिगुनी ब्याज दर पर 4 से 2/5 वर्ष में कितना प्राप्त होगा, तो देखो तिगुना ब्याज दर हम करेंगे तो 10 30 हो गए, ठीक है। तो हम अब अरे जो समय था समय भी निकाल, देखो अब साधारण ब्याज निकालना है, तो देखो 19,000 आया टोटल हमारा, 19,000 इंटू देखो 30 हो गया, और इसको जब हम समय को जब हल करेंगे तो 5 का 20 और 2 22, 22/5 और परसेंटेज के लिए नीचे 100 आता है, आते ही मूल देंगे समुद्र बड़ा 100 सूत्र होता है, ठीक है। तो देखो अब 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ठीक है। अब देखो 5 का भाग जब मैं इसमें देता हूँ 4 तो 3 बढ़ गया और फिर बच गए 4 8 38 हो गए, 380 आ गए, यानी कि ये टोटल 380, तो इनको जब इंटू करेंगे 2580 रुपये आएंगे, ठीक है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन नंबर 3 हमारा, ठीक है, 25,080 आ गए, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन कह रहा है कि दो छात्र ए और बी को पुरस्कार राशि के रूप में कुल 4,400 का भुगतान किया गया, ए बी से को ए को बी को भुगतान की गई राशि 120% भुगतान किया गया, तो बी को कितने राशि का भुगतान हुआ था, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कैसे हल होगा, अब इसमें दो इजी तरीका है कि ए ए और बी था, तो बी को 120 किया गया, तो ए को 100 किया गया, इसको 120% का मतलब 120 हो गया इसका, ठीक है। देखो 120 हो गया, अब देखो दोनों कितना हो गया टोटल कितना हो गया 220 हो गया, तो 44 के अंदर इसमें भाग लगा दो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना परसेंटेज आएगा 20, यानी कि 1% बराबर 20 है। तो अब इन दोनों को इंटू करवाएंगे हम, तो इंटू करवाया देखो इसको जब 20 से इंटू करवाया तो ये तो हो गया 2000, तो एक का ही पूछ रहा है हमें 2000, तो क्या ऑप्शन हो गया 2 नंबर ऑप्शन। इसके आगे बात करें, एक अरे एक वस्तु के अंकित मूल्य में 15% 20% ट्रावल 3 क्रमिक छूट देने के बाद उसे 2230.40 में बेचा गया, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना, हमें अंकित मूल्य बताना, अंकित मूल्य बताते हैं। अब देखो इन क्वेश्चन में क्या होता है कि आप देख सकते हो, इसमें कह रहा है कि क्वेश्चन में 8 नंबर की बात करें, तो देखो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट इनको 2230 लिखो, छूट है इनको उल्टी लिख दो, 100 बटे पहली 15 छूट तो 85 बच गए, दूसरे 20 की छूट तो कितने बच गए 100 बटे 80, इसी प्रकार आगे लिखोगे इंटू 100 बटे 82, ठीक है। अब इनको जब हम काटेंगे तो काटने में कितने आएंगे 4000 बन जाएंगे, ठीक है, तो टोटल कितने आएंगे 4000, तो ऑप्शन कौन सा आ गया हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। इस बात बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें 9 की बात करें, तो 9 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि किसी वस्तु पर प्राप्त लाभ की उसकी लागत का 120% है, यदि उसकी लागत 25 बढ़ा दी जाए तो विक्रय मूल्य को नियत रखा जाए तो प्राप्त होने वाला लाभ विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत होगा, तो ये क्वेश्चन देखो।
ये क्वेश्चन देखो, 10 नंबर क्वेश्चन है कि 0.59529 का 2.01 से गुणनफल 1 से कितना देगा। तो जब इनको हम दोनों को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो इनको मल्टीप्लाई कराने पर आते हैं 1.06329 तो कितना देगा ये वाली संख्या। तो ऑप्शन कौन सा होगा हमारा 3 नंबर। इसके बाद हम क्वेश्चन के आगे बात करते हैं। एक गाय को 25 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया। लंबी रस्सी वर्गाकार, ये वर्गाकार है या इस कोने में बांध दी और 25 मीटर ऐसे लंबाई उसकी रस्सी, तो ऐसे घूमेगी वो गाय, ठीक है, ऐसे घूमती रहेगी। ये एक वर्त का चतुर्थांश हो गया, ठीक है, 25 मीटर लंबी, तो ये त्रिज्या होगी इस वर्त की, ठीक है। रस्सी की लंबाई 14 मीटर में, देखो एक वर्गाकार, एक गाय 25 मीटर लंबी भुजा वाले वर्गाकार है, इसकी जो भुजा 25 मीटर है, ठीक है, और जो घास के मैदान के कोने से खुटी से बांध गई रस्सी की लंबाई 14 मीटर है मैदान के उस बाघ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मीटर स्क्वायर बताइए जिसमें गाय घास चर सकती है, ठीक है। यानी गाय को यहाँ बांध दिया गया, अब गाय यहाँ से देखो यहाँ से घास चर सकती है इसे 14, तो ये चतुर्थांश हो गया वर्त का, ठीक है। तो इसको हम घात करें तो पाई आर स्क्वायर होता है वर्त का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर होता है तो इसमें 4 का भाग दे देंगे क्योंकि एक चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। और इसके साथ ही दोस्तों ये चतुर्थांश होगा, इसकी ये भुजा भी हमें लेनी पड़ेगी, या फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल काट के इसका हमें क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ठीक है, इसका भी निकालना कोशिश करना निकलता, ठीक है, मैं बताऊंगा सोल्यूशन। फिर 12 नंबर देखो, 12 नंबर, एक 5 मित्रों का औसत वेतन मासिक वेतन 62,000 है, 5 मित्रों में से एक सुरेश की पदोन्नति होगी, उसकी वेतन वृद्धि होगी, और यदि उसके वेतन का नियम औसत 64,250 है तो सुरेंद्र के मासिक वेतन में कितनी वृद्धि हुई ये हमें निकालना। 64 ये वृद्धि हुई है तो ये वृद्धि सभी की हुई है दोस्तों, जितनी हुई है तो देखो कैसे करोगे, 64,250, ठीक है, 62,000 निकाल दी तो 2,250 की वृद्धि हुई है, ये 2,000 इस सुरेश की वृद्धि हुई, इसलिए इसकी मासिक वेतन कितनी वृद्धि हुई, तो कितने मित्र थे 5 से इंटू करो डायरेक्ट निकल जाएगा 0, 0, 5, 25 और 10 और 11 यानी 11,150 की, सॉरी 11,250 की रहेगी, 5 से 25 2 लगेंगे 12, ठीक है। इसके बाद हम बात करें आगे, एक व्यक्ति के अपने मासिक आय का 22% घर के किराए पे, ये आप सबको आता है, ठीक है, एग्जीक्यूशन है। इसके बाद 14 नंबर, ये भी बीमाओं में आते रहते हैं, गन आपका क्षेत्र पर सूत्र लगाए आप कर लोगे, वही छोटी सी कौन सी संख्या जो 3234 में जोड़ने पर ये प्राप्त होता है, ये आप उससे घनमूल वर्गमूल से निकालोगे। इसके बाद MS क्वेश्चन, कंप्यूटर क्वेश्चन की बात करें, MS एक्सेल वर्क बुक 2027 में डिफॉल्ट रूम में कितनी वर्कशीट होती है, तो 3 वर्कशीट होती है, ठीक है। एमएस वर्ल्ड 2007 में 36 पॉइंट का फॉल्ट साइज कितने इंच के बराबर होता है, तो 0.5 इंच के, ठीक है। कंप्यूटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे कंप्यूटर पहले करवा रहा हूँ, जो बाद में मैथमेटिक्स के लास्ट में करवा दूंगा दोबारा। एमएस वर्ल्ड 2007 में निम्न कौन सा मेन्यू बार का एक विकल्प नहीं है, इंटरनेट, निम्नलिखित में कौन सी इंटरनेट सेवा प्रदानता का प्रदान किया जाता है, तो वेब प्रशासन, इसके वेब ब्राउजर और इसकी विक्रेता के संदर्भ में दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प चुने गए सूची बने के मुद्दों का सूची टू के मुद्दों के अच्छा मिलान करता है, तो ये करता है जो 2 नंबर है, यानी कि एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट सफारी क्या है, सफारी एक सफारी है दोस्तों, सफारी एप्पल है, और सी मंकी क्या है, मोजिला फाउंडेशन है मोजिला, ठीक है। इसके बात करें 5 नंबर की, 6 नंबर की, एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के लिए संदर्भ में दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सूची वन सूची टू को करता दोस्तों, तो एक एंटर होता है आपको नीचे अगले सेल में जाने के लिए, शिफ्ट प्लस टैब का क्या काम होता है, इसका आपको बाई और अंगली में इसे जाने के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ल्ड 2007 में किस टेबल में निम्न से कौन सा सेल अलाइनमेंट सेल की आरेख करता है, तो अलाइनमेंट अक्रॉस, निम्न से कौन सा एमएस एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, कोबीन, ठीक है। एमएस वर्ल्ड 2007 में टेबल प्रोजेक्ट, यानी 2007 के ज्यादा पूछ गया था इसमें, तो बॉर्डर। इस बात करें 10 नंबर की, निम्न कौन सा एक वेद ईमेल एड्रेस नहीं है, तो @domain ये वाला वेद ईमेल एड्रेस नहीं है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बने रहे।